खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। संघर्ष के दम पर खुद को बुलंद बनाने की ये ऐसी कहानी है जिसे आत्मसात कर एक आम इंसान फर्श से निकलकर अर्श तक को चूम सकता है। ये कहानी है वैभव अरोड़ा की। नाम तो सुना ही होगा। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और आईपीएल देखना पसंद करते हैं तो अब तक वैभव अरोड़ा का नाम सुन ही लिया होगा। वो इसलिए क्योंकि वैभव अरोड़ा ने अपनी बॉलिंग से बड़े बड़े दिग्गजों के माथे पर पसीना ला दिया है। वैभव ने आईपीएल के सीजन में पंजाब किंग्स की तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ डेब्यू किया। पहले ही मैच में इस पेसर ने दो बड़े विकेट चटका दिए जिनमें मोइन अली और रॉबिन उथप्पा शामिल थे। अरोड़ा की कहर बरपाती गेंदों के दम पर चेन्नई 126 रन पर ढेर हो गई। अरोड़ा के लिए विकेट और उनकी बॉलिंग की चर्चा इसलिए भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है क्योंकि उन्हें टीम में लंबा अनुभव रखने वाले पेसर संदीप शर्मा की जगह टीम में मौका मिला था। इस मौके को अरोड़ा ने दोनों हाथों से लपक लिया। तो आज इसी युवा पेसर की कहानी का एक एक पन्ना पलटते हुए देखेंगे। ये कहानी नहीं सुनी तो आप उस सक्सेस स्टोरी को मिस कर जाएंगे जो किसी भी यंगस्टर के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बन सकती है। नाम वैभव अरोड़ा, उम्र 24 साल, कद 5 फीट 10 इंच, बॉलिंग राइट आर्म फास्ट मीडियम। जिस तरह आग में तप कर ही सोना कुंदन बनता है उसी तरह तिल तिल तपे हैं वैभव अरोड़ा। उनकी ये तपती कहानी शुरू होती है हरियाणा के शहर अंबाला से। 14 दिसंबर 1997 को अंबाला की पंजाबी कॉलोनी में गोपाल और ममता अरोड़ा के घर वैभव का जन्म हुआ। वैभव के पिता डेयरी का व्यवसाय करते हैं। वैभव की स्कूलें लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल अंबाला और डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ से हुई। शुरुआत में वैभव स्केटिंग किया करते थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्केटिंग छोड़ क्रिकेट को अपना पैशन बनाया। ऐसा क्यों हुआ इसका जिक्र वैभव अरोड़ा ने एक इंटरव्यू में किया था। क्रिकेट से पहले मैं स्केटिंग करता था जिसमें मैंने राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक भी जीता, मगर ज्यादा शोहरत और मदद न मिलने के कारण अंबाला की गलियों में टेनिस की बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। वैभव ने क्रिकेट को अपना पहला और आखिरी प्यार बना तो लिया लेकिन समस्या बनी मिडिल क्लास परिवार की आमदनी। डेयरी के पैसों से बामुश्किल घर चलता था। ऐसे में बच्चे को क्रिकेट की कोचिंग कराएं तो कैसे कराएं? फिर भी वैभव के पिता ने बेटे की लगन देखकर उसका दाखिला चंडीगढ़ की एक क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। जब मैं 9वीं क्लास में था तब घर छोड़कर चंडीगढ़ की तरफ रुक गया। मेरे पिता मुझे लेकर काफी डरे हुए थे क्योंकि मैं अभी तक परिवार से कभी दूर नहीं रह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे हौसला दिया। चंडीगढ़ में ही वैभव को कोच रवि वर्मा का साथ मिला। वैभव की बॉलिंग को रवि वर्मा ने ही निखारा। धीरे धीरे वैभव में निखार आ गया और वो एक अच्छे मीडियम पेसर बनकर उभरने लगे। रवि वर्मा ने मुश्किल घड़ी में वैभव की मदद की, साथ ही लगातार उनकी हौसला अफजाई करते रहे। वैभव ने पंजाब की टीम से रणजी खेलने के लिए लंबा इंतजार किया, कई प्रयास किए लेकिन उन्हें हर बार नाकामी मिली। लगातार मिल रही नाकामियों से परिवार और वैभव दोनों परेशान हो गए। परिवार ने वैभव पर
नौकरी का दबाव डालना शुरू कर दिया। मजबूरी में वैभव नौकरी करने को तैयार भी हो गए, लेकिन इस मौके पर वैभव के कोच ने उनके पिता को समझाया और बात बन गई। एक इंटरव्यू में वैभव के कोच रवि वर्मा कहते हैं, मैंने वैभव के पिता से बात की और उन्होंने समझाया कि उसे कुछ समय और दें, इसमें टैलेंट है, कहीं ना कहीं से रणजी खेलने का मौका जरूर मिलेगा। मैंने वैभव को भी समझाया, इतने साल की मेहनत को बर्बाद मत जाने दो, जब आपने 7-8 साल क्रिकेट को दिए हैं तो कुछ साल और दे दें और मेहनत करें। आखिरकार वैभव को उनके कोच ने हिमाचल जाने की सलाह दी। कोशिश और संघर्ष के बाद एक दिन वैभव को कामयाबी मिली। वैभव की गेंदों ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया और 2019 में वैभव को हिमाचल से रणजी खेलने का मौका मिल गया। एक इंटरव्यू में वैभव कहते हैं, पंजाब में मौका ना मिलने पर मैंने हिमाचल का रुख किया, जहां मुझे काफी सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरे करियर को सफलता दिलाने में हिमाचल क्रिकेट का काफी योगदान रहा। हिमाचल की तरफ से खेलते हुए वैभव अरोड़ा ने दमदार गेंदबाजी की। सौराष्ट्र के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में ही अरोड़ा ने चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गज को आउट कर दिया। इस मैच में वैभव ने कुल 9 विकेट चटकाए। यही नहीं, अपने डेब्यू सीजन में वैभव अरोड़ा ने कुल 26 विकेट लिए। ऐसा करने वाले वो पहले गेंदबाज थे। साल 2021 में वैभव ने मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली। इस ट्रॉफी के डेब्यू मैच में वैभव ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिए। इस टूर्नामेंट में वैभव के नाम 6 मैचों में 10 विकेट रहे। इस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन के बाद वैभव अरोड़ा को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में रखा। वैभव को 20 लाख के बेस प्राइस में खरीदा गया। 2021 के आईपीएल में वैभव को केकेआर की टीम से डेब्यू का मौका नहीं मिला। हालांकि इससे पहले 2020 में वैभव बतौर नेट गेंदबाज किंग्स 11 पंजाब के साथ जुड़े थे। इसी जुड़ाव का नतीजा ये हुआ कि इस बार उन्हें खरीदने के लिए केकेआर और किंग्स 11 पंजाब भिड़ गए। आखिर में पंजाब ने उन्हें 2 करोड़ की बोली लगाकर अपनी टीम में खरीद लिया। 2020 में नेट पर बिताए उस अनुभव पर अरोड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा, आईपीएल 2020 में बतौर नेट गेंदबाज में पंजाब की टीम से जुड़ा। उस दौरान मैंने शमी भाई से काफी कुछ सीखा, उन्होंने मुझे कई खास टिप्स दिए। मैंने कप्तान केएल राहुल को बोल्ड करने के साथ कई और बल्लेबाजों को आउट किया था, जिससे मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। वैभव की सफलता के बाद अब उनके पिता गोपाल अरोड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा है, अगर मैं कोच रवि सर की बात नहीं मानता तो शायद वैभव क्रिकेटर नहीं बन पाता और उसका सपना अधूरा ही रहता। रणजी में मौका नहीं मिलने पर मैंने वैभव से कहा कि अब क्रिकेट छोड़ो और कहीं किसी कंपनी में जॉब कर लो, पर उनके कोच रवि वर्मा ने मुझसे बात की और मुझे भरोसा दिलाया कि वैभव जरूर आपका नाम रोशन करेगा, उन्हें जरूर मौका मिलेगा। अब मैं चाहता हूं कि वह देश के लिए खेलें और मेरा नाम और रोशन करें। ऐसा नहीं है कि वैभव का धमाल रणजी और आईपीएल में ही देखने को मिला। आईपीएल में चुनाव से पहले लिस्ट ए के डेब्यू मैच में भी अरोड़ा कमाल कर चुके हैं। महाराष्ट्र के खिलाफ हुए मैच की शुरुआत में वैभव काफी महंगे साबित हुए, लेकिन अचानक दूसरे स्पेल में उन्होंने हैट्रिक लेकर टीम को वापस मैच में ला दिया। इस मैच में उन्होंने 7 ओवर में 45 रन दिए और 4 विकेट अपने नाम किए। वैभव 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। वैभव की ताकत इन स्विंग गेंदबाजी रही है, जिसे वो और धारदार बनाने के लिए नेट्स पर घंटों पसीना बहाते हैं। उनके फेवरेट बॉलर जसप्रीत बुमराह। तो ये कहानी है वैभव अरोड़ा की, जो बताते हैं सपने पूरे होते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत एक न एक दिन रंग लाती है।